तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन फास्ट खबरें इंडिया टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। UP20 में देखते हैं प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, बिल से महिला के अधिकारों की रक्षा होगी। सपा सांसद डिंपल यादव ने बिल पास होने पर महिलाओं को दी बधाई, कहा कि ऐतिहासिक बिल पास हुआ लेकिन सरकार की तरफ से लाने में हुई देरी। सरकार की नीयत पर मायावती ने सवाल उठाया, कहा कि लोकसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है सरकार। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की मांग, 2024 चुनाव में ही महिलाओं को मिले आरक्षण, सरकार दी गारंटी। नारी शक्ति बंधन बिल पास होने पर बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी, कहा कि भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन, हम सालों से इस पर चर्चा सुनते आ रहे हैं। अयोध्या में बोले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, करीब 492 सालों के बाद मंदिर में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर यूपी सरकार का कदम, विधायी विभाग के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 मेंबर की कमेटी बनाई। एनकाउंटर सरकार की पॉलिसी नहीं, पुलिस आत्मरक्षा में चलाती है गोली, यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान। मुरादाबाद रेंज में पुलिस का ऑपरेशन दृष्टि, 33,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए। मुरादाबाद में एक छात्रा पर युवक ने किया हमला, बात नहीं करने से नाराज था आरोपी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में चोरों ने एक घर से ज्वेलरी और कैश चुराया, घर के लोगों को कमरे में बंद करके पुलिस ने दर्ज किया केस। लखनऊ में सड़क पर गंदगी से CM की नाराजगी के बाद एक्शन, नगर निगम ने सफाई सुपरवाइजर को हटाया। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला की मौत, CMO की रिपोर्ट पर 24 घंटे में अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल हुआ। लाइसेंस कैंसिल होने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कार्यकर्ताओं ने DM को सौंपा ज्ञापन, हेल्थ सेवाएं शुरू करने की मांग की। मुरादाबाद में डेंगू का कहर, जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की बड़ी संख्या, CMS ने दी जानकारी। यूपी के मैनपुरी में बिजली की समस्या, अब सबस्टेशन नहीं हो रहा है बिजली सप्लाई। शहर के कई कॉलोनियों में पानी की समस्या, पावर सबस्टेशन में आग लगने के बाद सप्लाई केबल जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा में आज से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4 बजे करेंगे उद्घाटन। CM योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत, 25 सितंबर तक एक ही छत के नीचे देखेगी यूपी के तमाम उत्पादों की झलक। अलीगढ़ में सेवा पखवाड़ा का आयोजन, क्लीननेस कैंपेन प्रतियोगिता में हुई वॉल पेंटिंग, DM ने दी जानकारी। इंडिया टीवी आपकी आवाज़।